जर्मनी में रहने वाले पाकिस्तानी मीरा हुसैन का इंतहाई दिलचस्प कारनामा। वो 7,400 किलोमीटर का 14 माह में पैदल सफर मुकम्मल करके जर्मनी से पाकिस्तान पहुंच गया। मीरा हुसैन जर्मनी के शहर फरायबर्ग का रहने वाला है। इसने पाकिस्तान पहुंचने के बाद सोशल मीडिया पर अपने एक पैगाम में कहा कि मैंने जर्मनी में अपने घर से लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर तक मुकम्मल सफर पैदल किया, लेकिन जब मैं ईरान से बलूचिस्तान में दाखिल हुआ तो अचानक मुझे पुलिस ने रोक लिया और पैदल सफर करने से मना कर दिया। फिर मैंने बॉर्डर से क्वेटा तक का सफर बजरिया गाड़ी किया। गाड़ी पर सवारी मेरे लिए बहुत अजीब थी क्योंकि मैं पैदल चलने का आदि हो चुका था और गाड़ी की रफ्तार का आदि नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि हैरियत से क्वेटा पहुँच गया। ईरान का सफर मेरे लिए बहुत कठिन था, मुझे सहरा की गर्मी बर्दाश्त करना पड़ी, लेकिन ईरान के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले और मेहमान नवाज हैं और मुझे बहुत से दोस्त ईरान से मिले। सफर के तजुर्बात बहुत खुशगवार थे, लेकिन 1 साल 2 महीने के सफर की वजह से बहुत कुछ भूल चुका है तजुर्बात को याद करने में वक्त लगेगा, लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश हूँ कि मैंने 7,400 किलोमीटर का सफर पैदल मुकम्मल कर लिया। अब जल्द पाकिस्तान में फैमिली से मुलाकात होगी। इमिग्रेशन और तारकीने वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। खूबसूरत इस्लामाबाद की खूबसूरत तरीन बहरिया एनक्लेव में 3, 4 और 5 कमरों के लग्जरी अपार्टमेंट्स, द सेंट्रियम, आइकॉनिक लिविंग,